रामपुर नाम के गांव में तलवार नाम का जमींदार रहता था। उसका बेटा कौशिक अमेरिका में पढ़ाई पूरी करके लौट आ रहा था। पूरा गांव तलवार के घर के पास फूल मालाओं के साथ खड़े थे। तभी कौशिक एक ट्रैक्टर में आया। सभी कौशिक के गले में मालाएं पहनाए। अच्छे हो बेटा, कह के पूछा। हाँ ठीक हूं, कह के मुंह टेढ़ा करके चला गया। कौशिक के पिता आकर उसे गले लगाकर, आजा बेटा आजा, तुम्हारा वापस आना हमें अच्छा लगा, कह के बोला। क्या पापा, एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए एक एसयूवी कार भेज नहीं सकते थे, ट्रैक्टर भेज दिया, कह के बोला। ट्रैक्टर में आना हमारे गांव की प्रथा है। मेरे शादी के समय तुम्हारी माँ को देखने के लिए मैं ट्रैक्टर में ही गया था। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? छोटी सी बात है? ये मेरा प्रेस्टीज का सवाल है। मुझे गांव में घूमने के लिए कम से कम एसयूवी नहीं है तो कैसे होगा? वहाँ अमेरिका में पढ़कर यहाँ ट्रैक्टर में घूमने के लिए बोल रहे हैं क्या? कह के बोला। तो अभी तुम्हें एसयूवी चाहिए, उतना ही ना, जाकर अपनी पसंद की कार खरीदो, कहकर बोला। दैट्स माय गुड डैडी, कह के बोला। अगले दिन कौशिक एक एसयूवी खरीद के, डैड डैड लुक एट माय न्यू एसयूवी कार, कह के कार के ओर दिखाया। पास खड़ा एक किसान, क्या साहब ये गाड़ी नहीं लग रही है, बहुत अच्छी है, कह के बोला। या दिस इज माय न्यू एसयूवी 200 PHP 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक पायलटिंग सिस्टम, व्हाट मोर इट हैज गॉट रूफ रेलिंग एंड सन शील्ड्स, कह के बोला। क्या बोल रहे हो बेटा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। ये देखो आज ही खरीदा, ये मेरा नया ट्रैक्टर, देख कितना अच्छा है, कह के बोला। तुम्हारे ट्रैक्टर में और मेरे एसयूवी में फर्क नहीं है क्या? 1 करोड़ रुपए डाल के खरीदा है मैंने, तुम्हारा कितना है सस्ते का आयरन मशीन, कह के बोला। कौशिक के पिता तलवार तभी, देख कौशिक तू आज एसयूवी इसलिए खरीद पाया ताकि तेरा बाप कभी ट्रैक्टर चलाया करता था, ट्रैक्टर को कभी छोटा मत समझना, कह के बोला। कौशिक को गुस्सा आकर, ऐसा क्या डैड, तो फिर जो मैं एसयूवी में कर सकता हूँ वो सब आप ट्रैक्टर में करके दिखाइए, तब मैं मानूंगा ट्रैक्टर बहुत ग्रेट है, कह के बोला। तलवार राजी होते ही उसके बाद कौशिक अपनी एसयूवी से एक बड़ी ट्रेन को भी बड़े आसानी से खींचा। तब कौशिक आके, देखा डैड क्या ये सब आपका ट्रैक्टर कर सकता है, कह के पूछा। ठीक है मैं मान रहा हूँ, तुम्हारा एसयूवी बहुत महान है, बहुत ग्रेट है, कह के वहाँ से चला गया। अगले दिन एक किसान आके कौशिक से, सर आपके पिताजी आपकी गाड़ी को लेकर खेत में आने के लिए बोले, कह के बोला। कौशिक उसके एसयूवी को लेकर खेत में गया। तब तलवार उसके ट्रैक्टर को और कौशिक के एसयूवी को हल लाकर बांधा। तब तलवार, देख कौशिक कीचड़ भरे इस खेत में तुम अपनी एसयूवी से इस हल को लेकर चलाओ और मैं अपने छोटे से ट्रैक्टर को लेकर यहाँ हल चलाऊंगा, कह के बोला। कौशिक एसयूवी को स्टार्ट करके कीचड़ में जाने दिया। बात खत्म, एसयूवी वही का वही रुक गई। वो जितना भी चाहे एक्सीलरेशन दे, चक्का घुमा पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। तलवार मगर बड़े आसानी से अपने ट्रैक्टर की मदद से हल चलाया। कौशिक लाख कोशिश करने के बावजूद एसयूवी को कीचड़ में से बाहर नहीं निकाल पाया। तभी कौशिक, डैड प्लीज हेल्प माय एसयूवी, इट गॉट स्टक, कहा। तलवार उसके ट्रैक्टर को उस एसयूवी से रस्सी बांध के कीचड़ में से बाहर निकाला। तब तलवार, देखा कौशिक हाथी बहुत बलवान होता है पर वो पानी में जाते ही कमजोर पड़ जाता है, मगरमच्छ जब तक पानी में है ताकतवर रहता है लेकिन जमीन पे आते ही कमजोर पड़ जाता है, वैसे ही इसकी ताकत जहाँ पे उपयोग करना है वहीं पे करना। वो सब बातें सुनकर कौशिक, सॉरी डैड मुझे अकल आया, जब तक मैं अपने गांव में हूँ तब तक ट्रैक्टर ही चलाऊंगा, कह के बोला। राहुल नाम का एक बेरोजगार रहता था। ऐसा कोई दफ्तर नहीं था जहाँ वो हर रोज नौकरी की तलाश में ना गया हो, पर नौकरी उसे कहीं नहीं मिली। एक दिन राहुल मंदिर में, भगवान कोई चमत्कार कर दो और मुझे नौकरी दिला दो, कोई धंधा करना हो तो उसमें भी कंपटीशन ज्यादा है, कोई रास्ता दिखाओ प्रभु, कहकर उसने प्रार्थना की। तब पंडित जी ने आकर, बेटा गंगा जल ले लो, 10 रुपए की दक्षिणा दे दो, कहकर 3 बूंद पानी उसके हथेली में डाला। राहुल गंगा जल पीकर
₹10 किस लिए पंडित जी? तूने जो पिया है वो म्युनिसिपैलिटी का पानी नहीं है, ये गंगा जल फ्रॉम काशी है। ट्रैवलिंग चार्जेस और टैक्सेस मिलाकर तुम्हें ₹10 में दे रहा हूँ। आस पड़ोस के लोग भी गंगा जल के लिए आतुर हैं। तब राहुल को एक उपाय सूझा। अगले दिन राहुल वाटर कैन को ऑटो में डालकर गंगा जल वाटर कैन ले लो, गंगा मैया का पानी ले लो कहकर आवाज देने लगा। तब एक व्यक्ति आकर, क्या गंगा जल वाटर कैन? इतने कैंस तुम्हें कहाँ से मिले भाई? गंगा जल को एक वाटर टैंक में लाकर उसे प्यूरिफाई करके यूं वाटर कैंस में सप्लाई कर रहा हूँ। आपके सेहत के लिए, पापों के नाश के लिए, पितृशेष पाप से मुक्त होने के लिए हर रोज 2 ग्लास गंगा जल पिए और हो सके तो इससे स्नान भी कर ले। तुम तो गंगा मैया लाने वाले भगीरथ हो कहकर 2 वाटर कैन खरीदा। बहुत थोड़े समय में राहुल का गंगा जल वाटर कैंस बहुत चल पड़ी। राहुल ने वाटर कैंस के दाम भी बढ़ाना शुरू किया, फिर भी लोग उसे खरीदने लगे। एक बार एक व्यक्ति राहुल से, ये क्या दिन भर दिन रेट बढ़ाते जा रहे हो? पेट्रोल के दाम से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। क्या करें सर, डिमांड ऐसा है सर। अपने गांव में गंगा जल पानी पीने के लिए कहो तो लोग उसमें स्नान कर रहे हैं, तो बताइए मैं क्या करूं? राहुल के तरक्की को देखकर प्रवीण नाम का एक युवक, ये राहुल गंगा जल कहकर सबको ठग रहा है, अब इसे पकड़वाने में मुझे क्या लाभ? यूं सोचकर अगले दिन, लो भाई गंगा जमुना सरस्वती का पानी, 3 नदियों का पानी लो, बहुत पवित्र पानी है कहकर वाटर कैंस बेचने लगा। एक आदमी आकर, क्या गंगा जमुना सरस्वती का पानी? ये 3 नदियों का जल है, ये संगम कितने का है? 1 कैन ₹150 का है। अच्छा ये तो सस्ता है। वो राहुल गंगा जल को ₹200 में बेच रहा है, ठीक है दे दो कहकर 2 कैन खरीदा। यूं सब ने प्रवीण के वाटर कैन खरीदना शुरू किया। राहुल ने जब देखा कि उसका कॉम्पिटिटर आ गया है तो उसने वाटर कैन का दाम कम कर दिया। आओ भाई आओ, समर स्पेशल ऑफर, वाटर कैन अब केवल ₹120। आओ भाई आओ कहकर आवाज देने लगा। लोग दोबारा राहुल के वाटर कैन खरीदने लगे। तब प्रवीण, आओ भाई आओ, अब वाटर कैन केवल ₹100 है, आओ भाई आओ। यूं राहुल और प्रवीण वाटर कैन के रेट कम करते करते वाटर कैन का ₹30 दाम रखा। इतने में म्युनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस में कलेक्टर, कौन है ये राहुल और प्रवीण? गंगा जल कहकर वाटर कैन सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ अपना म्युनिसिपल वाटर टैंकर खाली पड़े हुए हैं, वो क्या रहा है? तब पुलिस कमिश्नर, सर मुझे 2 घंटे का समय दीजिए, पता लगाता हूँ कहकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले राहुल और प्रवीण का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि वे सबकी नजर बचाकर एक म्युनिसिपैलिटी के नल से पानी भर रहे थे। तब पुलिस ने उन्हें पकड़कर, क्यों भाई म्युनिसिपैलिटी का पानी पकड़कर एक गंगा जल कहकर और दूसरा संगम का पानी कहकर बेचते हो? ये धंधा अच्छा है, चलो कहकर उन्हें जेल में डाला। उस गांव का नाम था गंगापुर। वहां ज्यादातर लोग मकई का फसल उगाते थे। यूं उगे मक्के के फसल को वो पड़ोसी गांव में बेचकर अपना गुजारा करते थे। एक बार एक किसान, चाहे कितना भी फसल उगा लो क्या फायदा, कमाई की 70% तो महाराज को खजाने में चली जाती है, बाकी 30% खाद सिंचाई बीज के लिए चली जाए तो हम कैसे गुजारा करेंगे कहकर दुखी हुआ। जो जोतेगा जमीन उसी की तो सिर्फ कहने के लिए है, चलो ठीक है हमें इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला, चलो खेती करते हैं। कुछ महीने बाद फसल कटाई के लिए तैयार थी। सब कल तड़के ही आ जाना, कटने के बाद गिनकर बोरियों में भरना है। अगले दिन किसान फसल काटने के लिए खेत पर आए तो देखा कि थोड़ा फसल किसी ने चोरी कर लिया था। सारे किसान ये देख हैरान हो गए,
महाराज के पास जाकर, महाराज इस साल फसल अच्छी हुई थी, पर जब हम हिसाब करने लगे तो देखा कि फसल का थोड़ा भाग किसी ने चुरा लिया है। क्या हमारे राज्य में चोरी? हैरानी की बात है। महाराज चिंता ना करें, मुझे समय दीजिए, मैं इसे पूछता हूँ। महाराज मान गए तो महामंत्री खेत पर एक बिजूका के वेश में खड़ा हो गया। उस रात को उज्जवल नाम के किसान को छिपते छिपाते खेत में आकर कुछ पके हुए मक्के को टोकरी में भरते हुए देखा महामंत्री ने। मंत्री धीरे से आगे बढ़ा। ये कैसी आवाज है, कहकर पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था एक बिजूका के अलावा। महामंत्री और थोड़ा करीब गया। ये क्या आवाज सुनाई दे रही है, पर कोई नहीं है, ये बिजूका वहां से यहाँ कैसे आई, कहकर सोचने लगा। बिजूका के पास जाते ही महामंत्री हिला तो उज्जवल बाप रे भूत कहकर डर गया। मंत्री ने तुरंत उज्जवल को पकड़कर महाराज के दरबार में ले गया। तुम्हारी ये हिम्मत कि हमारे खेतों की फसल को तुम चुराओ? क्षमा करें महाराज, मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था, इसलिए मैंने चोरी की। पर एक क्षण के लिए सोचें कि किसान ने अपने ही खेत के फसल को चोरी क्यों कर रहा है। राजा सोच में पड़ गया। सच ही तो है, किसान अपने फसल उगाने के अलावा और कुछ भी तो नहीं जानता, तो अपने ही खेत के फसल को चुराने की क्या जरूरत है। साल भर दिन रात मेहनत करके, अपने बच्चों की तरह इनकी देखभाल करके, उगे फसल पर लगान भरने के लिए कहते हैं आप। इस लगान की वजह से कई किसान लुट जाते हैं महाराज। हर साल आप लगान बढ़ाते जाएंगे तो हम किसान जिएंगे कैसे, कहकर पूछा। किसान का दुख समझकर महाराज अपनी गलती को जानकर लगान माफ किया।